मुश्किलें, संघर्ष, दुख, दर्द, ये सभी जीवन के पर्याय है। ये जीवन की सौंदर्य है। अगर ये ना हो तो आदमी बुत बन जाता है, पत्थर सा हो जाता है। इसलिए तड़प, तलाश, हसरत ये भले ही कम हो, पर दिल में किसी के लिए चाहत की चुभन होनी ही चाहिए, किसी के दर्द का एहसास होना चाहिए। ओशो ने कहा था कि सागर क्या है, ये केवल बता सकते हो आप कि ये सागर है, लेकिन उसे समझा नहीं सकते। उसी तरह प्यार कैसा अनुभव है, इस बारे में बात की जा सकती है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है इसे किस तरह जिया जा सकता है। प्यार कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपने पाया है, असल में प्यार ने आपको पा लिया है। कम वैचारिक लोग कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है, जबकि वयस्क लोग कहते हैं, मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्यार दो शरीरों की जगह एक ही आत्मा में होने का संगठन है। जिंदगी से हम प्यार करते हैं इसलिए नहीं कि हम इसे जीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसलिए कि हम इसे प्यार करने के लिए करते हैं। चुंबन एक कमाल की जादूगरी है जो प्रकृति ने हमें इसलिए दिया है ताकि जब शब्द जरूरत से ज्यादा हो तो हम उन्हें रोक सके। दिल में प्यार रखिए, क्योंकि बिना प्यार की जिंदगी ऐसी है जैसे बिना सूर्य की रोशनी के कोई बागीचा जिसमें फूल मुरझा गए। किसी द्वारा गहराई से चाहा जाना आपको शक्ति देता है, और वहीं जब आप किसी को गहराई से प्यार करते हैं आपको हिम्मत देता है। मैं विश्वास करता हूं कल्पना ज्ञान से बड़ी है और रहस्य इतिहास के मुकाबले अधिक प्रबल है। हमारे सपने तथ्यों से भी अधिक शक्तिशाली है। हमारी उम्मीदें हमेशा अनुभव पर विजयी पाती है। खुशी ही केवल दुख की दवा है, और मैं विश्वास करता हूं प्यार मृत्यु से भी बढ़कर है। हम अकेले जन्म लेते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं, लेकिन हम प्यार और दोस्ती के जरिए एक वातावरण का निर्माण करते हैं जिसमें हम अकेले नहीं हैं।